नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद मिश्रा क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है रिसिप्ट वाउचर का, कि टैली के अंदर रिसिप्ट वाउचर के अंदर हम कैसे एंट्री पास करेंगे और रिसिप्ट वाउचर होता क्या है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वर्ड में मैंने रिसिप्ट वाउचर के बारे में लिख रखा है, थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में। देखिए, रिसिप्ट वाउचर क्या है? एक ऐसा वाउचर है जिसके अंदर, रिसिप्ट का मतलब नाम से समझ में आ रहा है, जिसके अंदर किसी पेमेंट्स को रिसीव किया जाता है। यानी कि कई बार हमें कोई इनकम मिलती है, किसी तरीके का भी इनकम का सोर्स, चाहे कोई सैलरी मिले, कोई इंटरेस्ट मिले, चाहे कोई टर्नओवर से, कोई सेल्स से हमें जो पैसा मिले, चाहे किसी पार्टी से हमें पैसा मिले, अगर कोई बिजनेस में अगर कोई भी पैसा अगर प्राप्त होता है तो उसको हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। या रिसिप्ट वाउचर ऐसा वाउचर है जिसके अंदर पेमेंट्स को रिसीव किया जाता है किसी भी कस्टमर के द्वारा या कैश के द्वारा। देखिए, अधिकतर क्या होता है, जब हमें इनकम मिलती है बिजनेस में, वो कैश या बैंक के रूप में मिलती है। और इनकम हमारे पास आएगी तो कैश या बैंक हमारे पास बढ़ेगा, यानी कैश की वैल्यू बढ़ेगी, तो वो क्या होगा? DR। और CR क्या होगी? इनकम। क्योंकि उस इनकम का जो अमाउंट है हमने रिसीव कर लिया है, तो इनकम तो कम हो जाएगी उस अमाउंट को, क्योंकि हम यूज कर लेंगे, तो इनकम क्या हो जाएगी? CR। और कैश और बैंक क्या हो जाएगा? DR। अगर गोल्डन रूल से भी देखेंगे, मॉडर्न रूल से भी देखें, तो यही आएगा, इनकम हमेशा CR होती है और कैश और बैंक हमेशा DR होते हैं। देखिए दोस्तों, रिसीव वाउचर के अंदर एक एग्जांपल है ये एंट्रीज का। रेंट रिसीव हुआ 6000 का फ्रॉम HDFC से। HDFC यानी चेक में हमने क्या किया, रेंट दे रखा था, तो रेंट हमें रिसीव हो गया किसी लैंडलॉर्ड से, किसी टेनेंट से, तो वो क्या होगा? रेंट हमारे पास आएगा तो क्या होगा, लेकिन किस रूप में आएगा? बैंक के रूप में। तो बैंक अकाउंट क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो वो क्या होगा? DR होगा। और रेंट रिसीव क्या होगा? CR। देखिए, ये आपकी रही एंट्री। नीचे देखिए, देखिए दोस्तों, ये रही इसका डेबिट नोट के अंदर या रिसीव वाउचर के अंदर। HDFC क्या है आपका? DR हो गया। CR आपका रेंट रिसीव हो गया, इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा हमने देखा, चलिए इसकी एंट्री हम एक बार पास करके देखते हैं। टैली के अंदर कमीशन रिसीव 3000 रुपीज इन कैश, हमें कमीशन प्राप्त हो गया 3000 का इन कैश में, तो कैश हमारे पास DR होगा और कमीशन क्या होगा? CR होगा। ये हमें एंट्री पता चल गई। अब टैली के अंदर कैसे पास करेंगे? देखिए, देखिए टैली भी मैंने खोल रखी है इस साइड, इस फेज में। देखिए, देखिए हमने एक कंपनी बना रखी है अंता नाम की। इस ट्रांजेक्शन के अंदर हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, एंटर करेंगे, यहाँ हम F6 दबाएंगे। देखिए, पहले से ही हमारे पास रिसिप्ट वाउचर खुला हुआ है, हमें पहले CR आ रहा, तो हम CR की वैल्यू को पहले पुट अप करेंगे, बाद में DR की। तो देखिए हमें क्या मिला, सैलरी, सैलरी मिली, एक मिनट, कमीशन रिसीव हुआ 3000 का। तो कमीशन हमें रिसीव हुआ, तो कमीशन क्या है? इनकम। तो इनकम का नाम सबसे पहले आएगा, Alt+C प्रेस करेंगे यहाँ पर, Alt+C प्रेस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कमीशन, कमीशन रिसीव्ड किसके अंदर बनेगा? इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। एंटर एंटर करके इस स्लाइड को बंद करते हैं। यहाँ पर अमाउंट देखते हैं, देखिए अमाउंट 3000 का है, 3000 यहाँ पर पुट कर देंगे। और DR क्या होगा हमारा? कैश में करा है हमने, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, कैश का लेजर पहले से बना होता है, ये एंट्री पास होगी। इनकम हमेशा क्या होगी हमारी? CR। और कैश या बैंक क्या होगा? DR। और यहाँ पर नरेशन पास करेंगे हम, बीइंग कमीशन रिसीव, रिसीव्ड, ये ध्यान रखने के लिए हो गया। चलिए दोस्तों, एक एंट्री और देखते हैं, करते हैं। देखिए नीचे एक सेकेंड एंट्री हमारी है, रिसीव सैलरी 3000 फ्रॉम SBI। इस समय कैश में मिल रहा था, इसमें अब बैंक से हमें मिल रहा है, SBI से 3000 रुपीज़ हमें रिसीव हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। सैलरी हमारे लिए इनकम है और SBI हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम है, तो इसका क्या बनेगा? लेजर्स। देखिए, तो इनकम क्या है हमारी? सैलरी। तो Alt+C से हम सैलरी का लेजर बनाएंगे, इनडायरेक्ट इनकम में एंटर एंटर करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा ये, अब सेव कर दिया हमने। 3000 का हमें सैलरी रिसीव हुआ, किस फॉर्म में? SBI से रिसीव हुआ। तो Alt+C से हम बैंक का लेजर बनाएंगे, SBI। देखिए SBI का मैंने बना रखा है पहले लेजर, देखिए SBI का लेजर बन गया। और देखिए एंट्री ये हुई हमारी कि
देखिए हमें सैलरी रिसीव हुई तो सैलरी हमारे पास आएगी, लेकिन किस रूप में आएगी, किस सोर्स में, एसबीआई के सोर्स में, यानी बैंक के सोर्स में। बैंक बढ़ेगा तो डीआर, और सोर्स ऑफ इनकम क्या हो जाएगी, सीआर। देखिए दोस्तों आसान से समझिए, जो चीज बढ़ेगी डीआर, जो चीज घटेगी सीआर। लेकिन क्या मिला हमें, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सैलरी का, एसबीआई है, बैंक है, तो बैंक बढ़ेगा और सैलरी हमारी सीआर होगी। तो ये एंट्रीज होती है हमारी रिसिप्ट वाउचर में, जिसकी शॉर्टकट की F6 होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अदर वीडियोस की वाउचर को लेकर।